बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया है। नरेंद्र सिंह तोमर का बयान जिसमें उन्होंने कहा मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस को अच्छे दिन नहीं दिखेंगे क्योंकि जनता ने उन्हें बुरे दिन देखने के लिए निर्धारित किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर तोमर ने निशाना साधते हुए कहा राहुल के कहने पर सरकार नहीं चल रही, पेट्रोल डीजल के दाम जल्द ही नियंत्रित होंगे। विपक्ष के एकजुट होने पर तोमर ने तंज कसा, फोटो खिंचवाने से एकजुटता स्वप्न है जो हकीकत में बदल सकता है। फोटो खिंचवाने से एकजुट होना देवा स्वप्न है जो हकीकत में नहीं बदल सकता। सीधे तौर पर कांग्रेस पर बरस पड़े केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा राहुल के कहने पर सरकार नहीं चल रही, पेट्रोल डीजल के दाम जल्द ही नियंत्रित होंगे। विपक्ष के एकजुट होने पर तोमर ने तंज कसा, फोटो खिंचवाने से एकजुट होना देवा स्वप्न है जो हकीकत में नहीं बदल सकता। और जानकारी देंगे आशीष मंगल सोनी, मेरे सहयोगी फोन लाइन पर बने हुए हैं। आशीष, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान जिसमें वो कांग्रेस पर बरसे और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। देखिए पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज सुबह भोपाल पहुंचे और उन्होंने जब मीडिया ने सवाल किया कि मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी जहां जश्न मना रही है तो वहीं कांग्रेस विश्वासघात दिवस मनाने की बात कर रही है, तो उन्होंने साफ किया, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस को इन सब मामलों में अच्छे दिन नहीं दिखेंगे क्योंकि देश की जनता ने उन्हें निर्धारित किया है बुरे दिन देखने के लिए, सत्ता से बाहर किया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा, जिस तरह से राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके कहा था कि विराट कोहली के बाद जिस तरह से फिजिकल चैलेंज के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसको लेकर कहा था कि नेता ये इस तरह के वीडियो वायरल कर रहे हैं, लेकिन फ्यूल चैलेंज लेना चाहिए, देश में पेट्रोल और डीजल की दाम कम करना चाहिए। इस पर नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा कि राहुल गांधी के कहने पर सरकार नहीं चल रही और पेट्रोल डीजल के दाम जल्द ही नियंत्रित होंगे, इसके लिए केंद्र सरकार के बाकायदा 3 से 4 मंत्री काम कर रहे हैं। एक दिन पहले जब विपक्ष में बेंगलोर में जो मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के समय तमाम विपक्ष ने फोटो खिंचवाई एकजुट होकर, उस पर भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निशाना साधा है और कहा है कि फोटो खिंचवाने से एकजुट होना दीवा स्वप्न हो सकता है लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं आ सकता। पिछले केंद्र के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में ये तमाम पार्टियों ने UPNDA के खिलाफ चुनाव लड़ा था, ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये विपक्ष तमाम एकजुट है। परुल बिल्कुल शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।